ग्वालियर जिले के गिरजौरा पुलिस ने शराब और नगदी के साथ तीन लोगों को हिरासत में लिया है। पिछोर इलाके के रहने वाले सतवीर यादव, दिनेश अग्निहोत्री एक बोलेरो जीप में 8 पेटी देसी शराब लेकर जा रहे थे। चेकिंग पॉइंट पर जीप को रोका गया तो उनकी जीप में यह शराब भरी मिली। संभावना है कि यह शराब चुनाव में खपाई जानी थी। बरामद शराब की कीमत 30,000 से ज़्यादा बताई गई है। वहीं बोलेरो की कीमत लगभग 1.25 लाख रुपये बताई गई है। दरअसल चुनाव आचार संहिता के चलते जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में चेकिंग पॉइंट लगे हुए हैं, जहां पुलिस के साथ ही एसएसटी की टीम भी मौजूद थी। वहीं एक अन्य वाहन में सवार एक व्यक्ति के कब्जे से 1,16,000 रुपये रकम बरामद की गई है। इस रकम के बारे में यह व्यक्ति कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सका। फिलहाल इस मामले को आयकर विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। आदर्श आचार संहिता का पालन कराने हेतु ग्वालियर पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग कराई जा रही है। कल गिजोर्रा तिराहे पर एसएसटी पॉइंट द्वारा चेकिंग के दौरान 1,16,000 रुपये नकद बरामद किए गए तथा उसी क्रम में कल गिजोर्रा पुलिस द्वारा अवैध शराब करीब 8 पेटी शराब एक बुलेरो गाड़ी में जब्त की गई। बुलेरो और उसको मिला के करीब 2 लाख रुपये कीमत की मसरूकत जब्त किया गया। अब इस संबंध में पूछताछ की जा रही है, कहाँ से लेके आ रहे थे और कहाँ ले जा रहे थे।